घंटा बजा दिया इंग्लैंड का, इंडिया ने घंटा पकड़ के बजा दिया, घंटा पकड़ के बजा दिया इंडिया ने इंग्लैंड का। कहते थे ना बूम बूम अफरीदी, अब वाकई मनवाना माना और कहना भी चाहिए बूम बूम बुमरा। इंडिया आज भी जीत गया, छठा मैच जीत गया और उन्होंने अब मनवा लिया कि वर्ल्ड कप उनके ही हाथ आने वाला। उनका ही है, इंडिया का ही वर्ल्ड कप है ये, 100% उनका। और भाई पड़ोसियों को बोलता हूँ, भाई मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मैच खत्म हो गया, आप लोगों की वीडियोज ही नहीं आ रही। अरे भाई को 5-10 रुपये आप लोग भी कमा लो यार, जल्दी जल्दी वीडियो बनाओ भाईजान, मैच फिक्स था। बुमराह और शमी ने जैसी जैसी विकेट ली है, बैक टू बैक प्रेशर आया और ये हमारी टीम जैसे नहीं है। उन्होंने क्या कहते 230 को डिफेंड किया, ये हमारा पिछली घंटा, इससे 350 नहीं डिफेंड होते, ये 350 चेज करवा देता है। इनके जो बॉलर्स है, लास्ट टाइम कहीं ना कहीं पे लग रहा था कि शायद हार्दिक पांड्या वाली कमी ये शामी ना पूरी कर पाए, लेकिन उसने उससे भी ज्यादा अच्छा खेला। सारी टीमें एक एक मैच हार गई हैं, सारी टीमें से मतलब जो ऊपर की टॉप की टीमें हैं, जो तगड़ी टीमें हैं, जो कि लग रहा था कि किसी से कम नहीं है, वो सारी टीमें, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, लेकिन भारत अनबीटेबल है अब तक। और भाई हिंदुस्तान से एक विनती करता हूं कि भाई कोई नजर वजर उतारो ये प्लेयर्स की, इस टीम की, बॉलर्स की, बैट्समैन की। ये हमारे पड़ोसी बड़ी गंदी नजर रखते हैं, खुद की टीम तो कचरा हो गई है, अब हिंदुस्तान की टीम को नजर करेंगे। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अफेयर गोसिप्स न्यूज में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह फिर से एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, लगातार 6 मैच जीतने के बाद भारत ने अपनी जगह बना ली है सेमीफाइनल में, और जिस तरह भारत ने आज सुताई की है इंग्लैंड की, फ्यूचर में इंग्लैंड लखनऊ की इस पिच पर कभी नहीं खेलना चाहेगा, क्योंकि जैसा टारगेट था ना, ऐसा लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड जैसी टीम 100 रन से हार जाएगी। और इतनी बुरी पिटाई तो अभी तक हमने पाकिस्तान की नहीं की जिस तरह आज हमने इंग्लैंड बजा डाला। तो खैर, देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। चल गया कि जसप्रीत बुमराह बेहतर है या शाहीन अफरीदी? अब तुम पे बोल रहे हो जो बैठ के कूद रहे थे परसों कि शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। अगले ने 2 बॉलों पे 2 विकेट ली है। डेविड मिलान का भी केला खेल ठीक है, और दूसरी साइड पे जो रूट को तो आते सार भाई समझ में नहीं लगने दी। ये है इंडिया की टिपिकल बॉलिंग लाइनअप। मैंने क्या बोला था अपनी कल वाली वीडियो में, इंडिया को पहले बैटिंग करनी चाहिए जो भी हो। आज पहले बैटिंग की, कम स्कोर पे आउट हुए, फिर उसको डिफेंड भी किया। ये होती है इंडिया की भाई, ये अप्रोच है उनकी। इसी तरह एशिया कप में भी श्रीलंका के खिलाफ उनको एक ऐसा मैच मिला था जिसमें वो 215 पे ऑल आउट हो गए थे, फिर कुलदीप यादव ने, इंडियन बॉलिंग लाइनअप ने उसको डिफेंड किया था। मेरे घंटियों पर रहो, इंडिया सारे मैच जीत गया हुआ है, 6 में से 6 मैच वो जीत गए हैं, 6 में से 6 जीत के वो टॉप पे हैं, और हम अभी वही केले कूले की शक्लों वाली लेके और फिर रहे हैं, पता नहीं वो जीतेगा वो हारेगा, पकड़ के घंटा बजा दिया। और मेरे घंटे, और मेरे गोभी बकरी बारबी घंटे, मेरे घंटे के किंग, तू कब जीतेगा। ये भाई साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कहते हैं ग्राउंड में मिलूंगा, मैं ग्राउंड में सारे सवालों के जवाब दूंगा, ये तू जो हागर है ये सवालों के जवाब ही है ना, मैं ग्राउंड में सवालों के जवाब दूंगा। ये तू खोती का सिर दे रहा है ग्राउंड में, तो तेरे से रंग ही नहीं हो रहे ग्राउंड में, तो जो आ रहा है तेरा बजा के जा रहा है ग्राउंड में, तो जो आ रहा है तेरा घंटा बजा के जा रहा है। उस दिन साउथ अफ्रीका ने बजा दिया, इंडिया ने बजा दिया, अफगानिस्तान ने बजा दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बजा दिया, बजता आ रहा है। अगला मुझे लग रहा है कि बांग्लादेश ना हमारा घंटा बजा दे। लेकिन क्या भाई इंडिया की अप्रोच है, मतलब वो बंदे बैटिंग में नहीं कुछ करते तो वो बॉलिंग में कर देते हैं, कभी वो बॉलिंग बैटिंग दोनों में कुछ कर देते हैं। रोहित शर्मा की कप्तानी, टीम इंडिया का वो आपस में जल रहना, मतलब वर्ल्ड कप इंडिया का है ये वाला, वर्ल्ड कप मुझे लग रहा है इंडिया का है भाई। मेरी दिल से आवाज निकलती है कि मेरी प्रेडिक्शन है कि ये वर्ल्ड कप इंडिया का है, और ये 90+ चांसेस है, क्योंकि अब वो किसी से हारने वाले नहीं है, क्योंकि दे आर गोइंग ऑन टॉप, उनका छोटी टीमों के ज्यादा, बाकी सारे मैच छोटी टीमों के साथ रह गए। सूर्या की बात ही नहीं करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे चीते की, जिसने मैच जितवाया, वन एंड ओनली रोहित शर्मा। यार क्या प्लेयर है, मैं जब उसकी बैटिंग देखी मैं कहा यार ये
नहीं है, ये कैसे कोई एरर है। लेकिन जब इंडिया की बॉलिंग आई और उनके बैट्समैन जैसे लड़के हैं, जॉय रूट, बेन स्टोक्स जैसे बड़े नाम, मुझे तब पता चला है, मैंने दाद दिया, शर्मा ने पुत्र तेरे उठे दाद तेरी, जो खेल गया। मैं कहता हूँ ये 150 पर भी भारी था जो वो कर गया। इतनी मैंने जब उनकी बैटिंग देखी ना इंग्लैंड की, मुझे लग पता गया कितनी मुश्किल पिच थी। ऐसे ऐसे गाल तो गारी होती है ना, उसकी लेंथ से बॉल अंदर आ रही थी और पूरा पूरा बीतन हो गया। मत बुमराह और शमी ने जैसी जैसी विकेट ली है, बैक टू बैक प्रेशर आया, और ये हमारी टीम जैसे नहीं है, उन्होंने क्या कहते 230 को डिफेंड किया। ये ऐसे होते हैं कैप्टन। रोहित शर्मा ने क्या किया, जैसे ही सिराज को मार पड़ी, उसने कहा यार तू अभी साइड पे रहो, शमी को ले आ। उस शमी की बॉल, ओ यार मैं यकीन मानो मैंने ये दूसरी शर्ट चेंज किया, ठीक है, मेरी चाय ऊपर गिर गई थी जब उसने बोल ऐसे बोल ऐसे हुआ वो भैन, मैं कोई अखी कर गई ये एंड ना आसफ की रूह आ गई। मैं यकीन मानो मेरे को नंबर होंदा ना आसफ का, मैं कहना इतें ही है ना तू। ओ यार आउटस्टैंडिंग बोलिंग यार, मैं यकीन मानो कुछ भी कहूँ ना, वाकई इंडिया भाई क्लैपिंग के सल्यूट के काबिल है यार। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।